हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक, आप सभी का स्वागत आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में करता हूं। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट की परिचर्चा और आप लोगों के प्रश्नों के थोड़ी सी विश्लेषण चर्चा। एलटी ग्रेड भर्ती एसटीएफ को हाई कोर्ट से मिली है जीत। सीटेट 2019 जल्द करें एडमिट कार्ड डाउनलोड। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर बड़ी बात, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये आरक्षण पर बड़ी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। और प्रतियोगी ने घिराव कर मांगा है रिजल्ट। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को इसके अलावा भी कवर करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़। हमारा मेन उद्देश्य रहता है शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी खबरों को आप तक पहुँचाने का, तो हर मॉर्निंग सेशन में इस वीडियो को जरूर देख लिया करिए। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी न्यूज़ से शुरू करते हैं कि जल्द डाउनलोड करें सी टेट प्रवेश पत्र। सीबीएसई ने बोला है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 7 जुलाई को देश भर में आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जल्द से जल्द डाउनलोड करने की सलाह दी है। सीबीएसई के अनुसार प्रवेश पत्र का लिंक http://ctet.nic.in/cms/public/home.asbx पर उपलब्ध है। इसको आप सरकारी रिजल्ट से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। उम्मीदवार एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, सिक्योरिटी पिन व साइट इन टाइप का प्रयोग कर प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी समय से सेंटर पर पहुंचे, जिससे परीक्षा संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके, और परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर एक दिन पहले देखकर आना चाहिए, जिससे कि सेंटर का स्थान, घर से सेंटर की दूरी व सेंटर पर पहुँचने के यातायात माध्यम का पता चल सके। इससे काफ़ी सहूलियत रहेगी और वह समय से सेंटर पहुँच सकेंगे। तो पुनः बता दूं, जो मित्र सीटेट से जुड़े हुए हैं हमसे, उनके लिए यही है कि ये देखिए, सीबीएसई इतनी चीज़ें आप लोगों की चिंता करता है, तो आपकी परीक्षा है, आपको खुद भी इतनी चिंता रखनी चाहिए। तो अपने सेंटर का पता लगा लें, एडमिट कार्ड डाउनलोड ज़रूर कर लें, और सेंटर कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कैसे तक पहुँचेंगे आप, इसकी भी जानकारी आप ज़रूर कर लें, ताकि आपको आखिरी समय में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसी में बातचीत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो 69,000 भर्ती में क्या है इम्पोर्टेंस इस 69,000 भर्ती, क्योंकि 8 जुलाई को आपकी कोर्ट नंबर एक में जसप्रीत सिंह और आपके एक और जो आपके जज साहब हैं, दोनों जजों की खंडपीठ में आपकी सुनवाई होगी। 69,000 भर्ती की पहली सुनवाई 8 जुलाई को, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई जो थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे कि सर मेरा अब ये, तो ये देखिए औपचारिकताएँ फिर शुरू हो जाएंगी कि इतना है, ये है, वो है। तो 8 तारीख का वेट करिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए इसको लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ सरकार है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। तो सरकार तो आपके साथ है, क्योंकि समीक्षा बैठकों में जो तेवर कड़े रुख आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखे गए हैं उससे तो यही है। और बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर सबसे ज़्यादा चहलकदमी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मंथन कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, वैसे भी लीगल टीम आपकी जितनी रिलेटेड है इससे, लीगल टीम तो सारी ग्राउंड लेवल से लेकर जितने भी सचिवालय पे आपके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सबसे बातचीत हो रही है। गणेश सर से सचिवालय में बातचीत चल रही लगातार कि क्या अपडेट हो सकती है, इसको लेकर कितनी मजबूती है 60-65 के पक्ष में, क्या योग्य अभ्यर्थियों का चयन में क्या बातचीत आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद तो यही है कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको पहले ही नहीं मिले सरकार की तरफ से। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जो आपके कालिया सर हैं और जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, अनिल सर हैं, सबको लेकर मजबूती से पहले दिन पक्ष रखा जाए, ताकि इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट सब पे ऊपर पड़े। तो यही की जा रही है, और लीगल टीम से भी जो भी बातचीत है उससे यही पुष्टि हो रही है कि वो लोग भी मजबूती से चाहते हैं कि पहले दिन से ही कड़े तेवर हों और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आगे बढ़ा जाए। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, बाकी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से लिए बने रहिए हमारे साथ, हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। और पैनिक बिल्कुल मत होइए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, 3 दिन का समय है। और जो भी अगर लीगल टीम बोलती है कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मजबूती रखनी है, तो ट्विटर का सहारा जरूर लें, फेसबुक का सहारा जरूर लें। बाकी अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जागरूक हों, और जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंट्रोलेबल इम्पैक्ट है उनका, उनको पता है कि ऐसे क्या करना है, तो उन तक वीडियो पहुँचे और वो कार्य कर सके। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 79,000 टीचर्स वैकेंसीज रिक्रूटमेंट, और आप प्राथमिक में जरूर पहुँचें, बेस्ट ऑफ लक। अब आते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के से रिलेटेड जो न्यूज़ अपडेट आप लोगों को देनी है। कल ही आप लोग, अधिकतर लोग जान गए होंगे एलटी ग्रेड के बारे में क्या हुआ। आयोग को लताड़ मिली है, आयोग को परेशानी का सबब बना है जो आयोग
कह रहा था कि हम नहीं देंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स नहीं देंगे एसटीएफ को, तो एसटीएफ को बहुत ही बड़ी जीत मिली है यहाँ पे। और अब जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जितनी भी पूछताछ बची है वो करेगी एसटीएफ, और आयोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक रुकावट के वो सारे कार्य को परिपूर्ण कराएंगे, उनकी मदद जरूर करेंगे। तो कोर्ट नंबर 18 में ये बातचीत चल रही थी, केस आपका ये पता है रिजर्व था ही, तो रिजर्व को उनको निकालना था, सुनवाई उस पर अपनी बातचीत रखनी थी, सबको समझाना था उसको, तो ये निकल चुका है आपका। और इसका लास्ट में देखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी पेजेस की लिस्ट है, टोटल 82 पेजेस की लिस्ट है, तो लास्ट में चलते हैं और इसको समझते हैं कि क्या आपका पॉजिटिव इसका सुनवाई में क्या रिजल्ट आया है। तो टोटल 82 पेजेस की आपकी ये रिजर्व थी आपकी, और ऑर्डर यहाँ देख सकते हैं 4/7/2019 4 जुलाई कल की है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द रिजल्ट दिस रिट पिटीशन फेल्स, ये रिट पिटीशन फेल्स, रिजल्ट कौन सा रिजल्ट के बेसिस पे जो आपकी दायर की गई थी आयोग के द्वारा, एंड डिसमिस्ड, उनकी ये खारिज कर दी गई है, अब उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट इजी। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है वी वुड देयरफॉर डिसअलाउ एनी क्लेम टू प्रिविलेज एंड अपहोल्ड द इम्पगंड ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शन 91 ऑफ द कोड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द एसटीएफ। यानी एसटीएफ को बहुत मजबूती मिली है, और जो आयोग के द्वारा ही पक्ष रखा गया था कि हम कोई चीज़, हमारे पास विशेषाधिकार है, हम कुछ चीज़ों पे अपनी क्या हो सकते हैं ना, वर्चस्व बनाए रख सकते हैं, हम उसको हम नहीं शेयर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा वो हिडन फाइल्स होती हैं जिसको हम नहीं दिखा सकते किसी को, तो उस पर लताड़ मिली है आयोग को, और आयोग को अब एसटीएफ की मदद करनी पड़ेगी जितने भी भर्तियों में भ्रष्टाचारिता दिखी है उसको सबके समक्ष लाने का और सीधी भर्ती कराने का। तो एलटी ग्रेड में थोड़ी सी यहाँ पे बेनिफिट है, अभ्यर्थियों के हित में भी बातचीत गई है, जो अभ्यर्थी चाह रहे थे कि एसटीएफ की जीत हो और बिना किसी झंझट के पूरी स्पष्ट रूप से सबके समक्ष रिजल्ट आए और सबका चयन सुनिश्चित हो। तो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी जितने भी हैं, बिल्कुल आपकी मेहनत की जीत हुई यहाँ पे, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बधाइयाँ, आगे आपके जल्द रिस्पांस मिलने वाले हैं। तो आयोग का अब रुख देखना पड़ेगा कि आयोग का क्या रुख रहता है इस पे, बाकी एसटीएफ तो पूरी तरीके से तैयार है, सीबीआई पूरी तरीके से तैयार है, बस जल्द से जल्द इस पे पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल जाए, बस यही उम्मीद है। अगली न्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उम्र में अगर छूट ली तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का सामान्य में दावा नहीं होगा। यानी आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, अगर आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय इन कैटेगरी का यूज़ किया, अगर आपकी उम्र सीमा से आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन आप छूट के अंतर्गत, क्योंकि एससी एसटी में कम से कम 5 वर्ष का, ओबीसी में कम से कम 2-3 वर्ष का, तो ये जो छूट का अगर आपने प्रावधान लिया है, तो आप कितनी भी मेरिट आपकी अच्छी हो, जनरल में आप क्वालिफाई करते हो, आप जनरल की सीट नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अच्छे से कि सुप्रीम का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, कि कहा ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में आरक्षित पदों के लिए ही विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही था प्रश्न, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न था कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर प्रारंभिक परीक्षा में उम्र सीमा में छूट का लाभ लेता है तो क्या वह अंतिम मेरिट में समान श्रेणी में शामिल होने का दावा कर सकता है। तो पीठ ने कहा है कि गुजरात सरकार ने स्थिति पहले से ही साफ कर दी थी, तो इस मामले में पाए कि गुजरात सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी अगर उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा में बैठने की संख्या संबंधी सीमा में छूट का लाभ लेता है तो उन पर केवल आरक्षित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा, उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तो ऑर्डिनरी बात है, इतना तो सबको कॉमन सेंस में समझना चाहिए कि एक बार आपने यूज़ कर लिया अपने आरक्षण का तो ठीक है, फिर आप आरक्षित वर्ग के अंदर के ही आते हैं, ये बहुत बड़ा इशू इसको नहीं बनाना चाहिए। हाँ, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बताना चाहिए। तो इसमें मजबूती मिली है इनको कहने में कि गुजरात सरकार का जो एक प्रावधान है उसमें गुजरात सरकार ने पहले से ही लागू कर दिया है कि अगर आपने आरक्षित कोटे का यूज़ कर लिया है उम्र सीमा में, शैक्षणिक योग्यता में, तो आप फिर आपकी मेरिट एग्जामिनेशंस में कितनी भी बनती है, आप क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, फिर भी आप आरक्षित कोटे में ही आपको सीट मिलेगी, अलॉट होगी, आपको जॉब मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पैनिक हो रहे थे कि हम जनरल कैटेगरी में हमारी सीट रिजर्व वाले लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो योग्य हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक बार उन्होंने यूज़ कर लिया है आरक्षण का तो वो अब नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिले और जो योल लोग हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, ये कैटेगरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, योग्यता उनके अंदर रहता है, वो अपनी सीट लेकर के जरूर जाएंगे। तो एलटी ग्रेड के बारे में आप लोगों के समक्ष बातचीत की, कल के पूरे ऑर्डर के बारे में भी, तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार हो चुका है, इस पर रोक नहीं लगेगी। जो आपके आयोग की तरफ से दाखिल किया गया था कि इस पर रोक लगे, कुछ हमारे प्रावधान होते हैं, कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम गोपनीय रखना चाहते हैं और हमारे विशेषाधिकार हैं, तो उस पर इनकार हो गया हाईकोर्ट का। और यूपीपीएससी को अब एसटीएफ की जांच के लिए देना होगा दस्तावेज, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि जो लोग मेहनत किए हुए हैं उनके समक्ष सारी चीज़ें पारदर्शिता से सबके समक्ष लाई जाएगी। और इसी के समक्ष ऐसे ही आपके डॉक्टर प्रभात कुमार जो यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, नियुक्त हुए हैं, अभ्यर्थी और आमजन के लिए खुले आयोग के द्वार यूपीएससी अध्यक्ष हर बुधवार को कार्यालय में करेंगे मुलाकात। तो इनका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि अभ्यर्थियों से बार बार मिलना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्रिएशन, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि अभ्यर्थी बार बार आयोग के दरवाजे पर जाएं। उनका जो कार्य है अभ्यर्थी का, वो शिक्षण करें, शिक्षा प्राप्त करें और अपनी परीक्षा देकर वो क्वालिफाई हों। उनको इतना मजबूर मत करिए कि वो आपके हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के और आपके बार बार आयोग के दरवाजे पर आएँ और उसको खटखटाएँ, वहाँ प्रदर्शन करें। फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक लेट लतीफ़ी होती है तो अभ्यर्थियों से मुलाकात ज़रूर करें आप, जो ये पहल बहुत बहुत सराहनीय है, तो मैं इसको सराहनीय करूँगा इनको। तो दिस वॉज द वीडियो फ्रेंड्स, और जितनी भी मॉर्निंग अपडेट है वो सारे आपको रोज़ अपडेट ऐसी वीडियोस के फॉर्म में मिलती है, तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी और भी दिन भर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स से, पॉजिटिव स्माइल से अपने दिन की शुरुआत करिए। आई होप आप बेटर करेंगे। थैंक यू सो मच।